सो गाइस अभी बात करें स्टोरी के बारे में। सो गाइस मतलब आप लोगों को ये तो मालूम ही है कि ताजमहल किसने बनवाया, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था गाइस। सो उनकी खास बीबी मतलब मुमताज की याद में हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर देखिए ताजमहल की लोकेशन कैसी दिख रही है भाई, काफी अमेजिंग लग रही है। सो हे गाइस सलाम नमस्ते और कैसे हो आप लोग। तो गाइस स्वागत है आपका न्यू ब्लॉगर अलबेली ब्लॉग चैनल में। सो गाइस काफी मजा आने वाला है आज के ब्लॉग में और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ब्लॉग। सो गाइस आज ऐसी लोकेशन पे आए हैं, ये लोकेशन आपने मेरे ब्लॉगों में पहले भी देखी है, पर ये लोकेशन पे हम जो आए हैं एक कारण से आए हैं गाइस। तो वो कारण है कि आज एक गजब की स्टोरी लेकर आए हैं यहाँ पर और काफी गाइस मतलब आज के ब्लॉग में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको स्टोरी जो काफी अमेजिंग है और काफी मतलब काफी लोगों को तो मालूम भी नहीं होगी ये स्टोरी और काफी लोग मतलब इस स्टोरी से अनजान होंगे। सो आज काफी लोगों को पता चल जाएगी ये स्टोरी और काफी मजा आने वाला है आज के ब्लॉग में। सो गाइस मतलब लोकेशन भी है जो काफी अमेजिंग है, काफी खूबसूरत है। सो गाइस मतलब मैं लोकेशन दिखाने वाला हूँ आपको और गाइस जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दो। और मेरे फैजान भाई भी आए हैं आज। तो गाइस फैजान भाई मतलब कैसे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं आज तो भाई? हाँ काफ़ी स्मार्ट लग रहा है भाई हमारा। मैं नहीं मानता। सो गाइस मतलब जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दो ताकि मेरे नए न्यू जो ब्लॉग आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए। सो गाइस चलते हैं लोकेशन की तरफ। मैं आपको बता दूं कि हमारी लोकेशन है काफी फेमस लोकेशन है और ये लोकेशन का नाम है ताजमहल। स्टार्ट करो। और गाइस ये देखिए ये है ताजमहल का मेन गेट जो काफी मतलब पहले भी हमने यहाँ ब्लॉग बनाया और काफी मतलब अच्छा ब्लॉग था और काफ़ी उसका रिस्पांस भी मिला, काफ़ी अच्छा लगा गाइस मुझे। और गाइस बस ऐसे ही इस ब्लॉग को भी आप रिस्पांस देना और गाइस मतलब स्टोरी को भी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है स्टोरी और स्टोरी को भी रिस्पांस देना कैसी लगी स्टोरी ये भी बताना गाइस। सो गाइस ये देखिए ये ताजमहल का मेन गेट है और काफ़ी अमेजिंग बना हुआ है, काफ़ी बढ़िया गेट है। सो गाइस इससे एंट्री लेने वाले हैं हम लोग अभी और यहाँ से एंट्री लेंगे और गाइस अंदर और अंदर जाके फिर दिखाएंगे आपको ताजमहल जो काफी अमेजिंग बना हुआ है गाइस, जो काफी बढ़िया बना हुआ है। तो चलते गाइस आगे और आगे आपको दिखाते हैं ताजमहल की और भी लोकेशन। सो गाइस आपको स्टोरी भी बताएंगे। तो चलते गाइस आगे। तो गाइस चलते हैं अभी अंदर और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं और काफी अमेजिंग चीज है एक और ऐसी चीज दिखाते हैं आपको। और ये देखिए ये मेन गेट है जो ताजमहल का गेट है और गाइस काफी मतलब बढ़िया गेट है, काफी अच्छा बना हुआ है और यहाँ से वीआईपी एंट्री राजा महाराजाओं की होती थी तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और गाइस मैं यहाँ से एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, सबसे अमेजिंग चीज़ है कि गाइस यहाँ पर देखिए ताजमहल कितना नज़दीक दिखता है, कितना नज़दीक दिखता है, ऐसा लगता है कि एक गेट के जस्ट वर्ष ताजमहल है। और गाइस मतलब जैसे जितना आगे जाओगे, जितना आगे जाते जाओगे ताजमहल के करीब जाते जाओगे आप तो उतना ही ताजमहल दूर होता जाएगा और फिर दिखेगा दूर, और गाइस मतलब फिर दूर दिखेगा उतना ही दूर दिखेगा और ये देखिए दूर होता जा रहा है ताजमहल गाइस। तो ये सबसे अमेजिंग चीज़ लगती है, बहुत ही बढ़िया चीज़ लगती है जो ताजमहल को देखने पर दूर दिखता है ताजमहल। ये देखिए गाइस सामने ताजमहल है। अभी मतलब ताजमहल के अंदर एंट्री ले लिया और काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अमेजिंग लगता है और काफ़ी खूबसूरत लगता है ताजमहल और गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। और आज संडे का दिन है तो काफ़ी भीड़ है भाई, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। पर हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते गाइस, जो हमारी स्टोरी है और आज की स्टोरी है मुमताज के बारे में गाइस, जो शाहजहाँ की बीवी थी, जो सबसे प्यारी और सबसे खास बीवी थी उनकी और सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले थे
साझा, उनको उनका नाम था मुमताज, ये तो आप लोग जानते ही हैं, पर उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग नहीं जानते गाइस। सो गाइस मैं मतलब उसी उन स्टोरियों की तरफ जा रहा हूँ और उस चीज की तरफ जा रहा हूँ गाइस। सो गाइस आज के ब्लॉग में कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जैसे कि गाइस मतलब मुमताज को मतलब वो कब खत्म हुई थी, उनका इंतकाल कब हुआ था और उनको मतलब उनका इंतकाल हुआ था, फिर उसके बाद मतलब उनको कहाँ पर दफनाया गया और कहाँ पर मतलब उनका इंतकाल हुआ था, इन बातों को बताने वाला हूँ गाइस आज की स्टोरी में। और मैं ताजमहल में क्यों आया हूँ, मैं आज ताजमहल में इसलिए आया हूँ गाइस कि उनकी कब्र दिखाने वाला हूँ जो सबसे पहले उनको दफनाया गया था। मतलब दूसरी बात मतलब मुमताज को तीन जगह दफनाया गया था गाइस, तीन जगह। मतलब उनका इंतकाल हुआ था बुरहानपुर में, मतलब बुरहानपुर में उनका इंतकाल हुआ था, तो सबसे पहले उनको वहाँ दफनाया गया था, फिर उनको मतलब यहाँ ताजमहल, मतलब ताजमहल उन्हीं की याद में बनवाया गया। सो गाइस फिर ताजमहल में एक जगह है वहाँ पर उनको दफनाया गया और फिर उसके बाद गाइस मतलब फिर ताजमहल के अंदर दफनाया गया, तो ऐसे करके उनको तीन बार दफनाया गया गाइस। सो गाइस वही जगह दिखाने वाला हूँ मैं आज के ब्लॉग में कि उनको मतलब सेकेंड बार जो दफनाया गया था कहाँ पर दफनाया गया था, फिर उसके बाद तीसरी बार जो दफनाया गया था वो कहाँ पर दफनाया गया था, वो भी मतलब ये चीज़ें सारी बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ गाइस। तो चलते गए इस ब्लॉग में, आगे बने रहना और चलते मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर दफनाया गया था उनको सेकंड बार। तो चलते गए इस यहाँ पर, ये है नौबत खाना और मतलब ये म्यूज़ियम है और इसमें काफ़ी चीज़ें मतलब अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है ना फोटो खींचना अलाउ है, और गाइस इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी पुरानी पुरानी हैं जो काफ़ी रखी हुई है, जैसे पत्थर है जो काफ़ी पत्थर इस्तेमाल किया गया है ताजमहल में, वो पत्थर इसमें रखा हुआ है टुकड़े के हिसाब से। और गाइस यहाँ पर मतलब तलवारें हैं पुरानी और काफ़ी चीज़ें जो उर्दू अरबी में लिखी गई थी वो चीज़ें इसमें दी गई है गाइस। सो मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं गाइस और काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अंदर पर वीडियो और फोटो अलाउ नहीं है, तो इसलिए गाइस हम कुछ भी ना फोटो ले पाए ना वीडियो बना पाए। सो गाइस मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था भाई, बहुत चीज़ें थी ऐसी जो काफ़ी देखने लायक थी गाइस। तो अभी चलते हैं गाइस अपनी स्टोरी की तरफ। सो गाइस अभी बात करें स्टोरी के बारे में। सो गाइस मतलब आप लोगों को ये तो मालूम ही है कि ताजमहल किसने बनवाया, ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था गाइस। सो उनकी ख़ास बीवी मतलब मुमताज की याद में, जो उनकी बीवी थी, सबसे प्यार मतलब सबसे ज़्यादा प्यार करते थे अपनी बीवी को, और सबसे ख़ास बीवी थी उनकी मुमताज, जो उनकी याद में उनकी मोहब्बत की याद में उन्होंने ये ताजमहल बनवाया शाहजहाँ ने। सो गाइस काफ़ी मतलब सात अजूबों में एक अजूबा है ताजमहल जो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, और एक संगमरमर पत्थर है जो उससे बना हुआ है, बैट पत्थर आता है बिल्कुल गाइस उस पत्थर से बना हुआ है और काफ़ी अमेजिंग लगता है बैट, बैट बहुत ही अच्छा लगता है भाई। सो गाइस मैं आज बात करने वाला था मुमताज के बारे में, तो हम बात करते हैं गाइस मुमताज के बारे में कि मुमताज का निधन कैसे हुआ। सो गाइस हम मुमताज के बारे में बात करें तो मुमताज का निधन उनके 14वें बच्चे को जन्म देते हुए, मतलब जब उनके 14वां बच्चा था, सो गाइस उससे कोई 30 घंटे मतलब प्रेगनेंसी में, और 30 घंटे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रही, बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी और दर्द से, और काफ़ी उन्होंने परेशानी झेली 30 घंटे इस परेशानी के बाद, और उन्होंने मतलब अपना दम तोड़ दिया था गाइस। सो गाइस वो मतलब कहाँ पर ख़त्म हुई थी गाइस, वो ख़त्म हुई थी बुरहानपुर में, मतलब बुरहानपुर में ख़त्म हुई थी। और गाइस कोई 1631 में मुमताज का निधन हो गया था, मुमताज का निधन हो गया था 1631 में गाइस। सो मतलब 1631 में उनका निधन होने के बाद जस्ट 1631 में ही ताजमहल की मतलब स्थापना हुई और ताजमहल बनाना शुरू किया गया गाइस। सो गाइस मतलब 1631 में मतलब ताजमहल बनाना स्टार्ट हुआ और 1653 में पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था ताजमहल, और गाइस 1631 में इसकी स्थापना हुई और 1631 में ही मुमताज का निधन हो गया था। सो उनकी ख्वाहिश थी कि आप मेरी याद में ऐसा महल बनाएं जो लोगों में मोहब्बत की निशानी रहे हमेशा। सो गाइस इसी चीज़ को लेते हुए ताजमहल को बनवाया गया, और ये शाहजहाँ ने बनवाया और उनकी मोहब्बत में उनके प्यार में बनवाया था गाइस। सो गाइस मतलब
मुमताज को सबसे पहले बुरहानपुर में ही दफनाया गया था। सबसे पहले बुरहानपुर में दफनाया गया, फिर ताजमहल के पास ही एक जगह है वहाँ दफनाया गया, फिर ताजमहल के अंदर दफनाया गया, मतलब तीन जगह दफनाया गया गाइस। वो जगह मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जहाँ पर ताजमहल के पास मुमताज को दफनाया गया था। सबसे पहले मतलब ताजमहल का काम चल रहा था तो मतलब उनके अवशेष लाए गए यहाँ पर ताजमहल में, और ताजमहल के पास ही मतलब दफनाया गया पहले उनके अवशेषों को। फिर गाइस जब ताजमहल कंप्लीट हो गया था, बनकर तैयार हो गया था 1653 में, सो फिर उनको मतलब ताजमहल के अंदर दफनाया गया। सो गाइस मतलब वो जगह दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए सामने जो जगह दिख रही है, यहाँ पर जाना अलाउ नहीं है, मतलब पार्क में उतरना अलाउ नहीं है। जो सामने आपको जगह दिख रही है गाइस, मैं जूम कर दिखाता हूँ। यहाँ पर मुमताज को दफनाया गया था मतलब सेकेंड बार, और पहली बार दफनाया गया था बुरहानपुर में, पहली बार बुरहानपुर में दफनाया गया था, फिर सेकंड बार यहाँ दफनाया गया था। ये सामने जो जगह दिख रही है आपको, एक छोटा सा गेट दिख रहा है, इसी के अंदर दफनाया गया था मुमताज को। और फिर तीसरी बार जो दफनाया गया था गाइस, वो ताजमहल में दफनाया गया था। सो गाइस चलते आगे, और ये मैं जूम कर आपको जगह दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दफनाया गया था। ये जब भी मतलब थोड़ी सी बाउंड्री बना दी गई है यहाँ पर, और इसीलिए बनाई गई है क्योंकि यहाँ पर कब्र थी पहले मुमताज की, फिर यहाँ से अवशेष उठाकर ताजमहल में दफनाया गया गाइस। सो गाइस चलते आगे, और आगे आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं और थोड़ा इन्जॉय भी करते हैं गाइस। अभी हम लोगों ने मतलब ब्लॉग में इन्जॉय नहीं किया, थोड़ा पब्लिक प्लेस में बनाते हैं, और चलते गाइस थोड़ा सा आगे और फिर दिखाते हैं आपको और भी चीज़ें। तो चलते गाइस, गाइस अभी हम ऊपर आ गए हैं, और यहाँ पर देखिए ताजमहल की लोकेशन कैसी दिख रही है भाई, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और गाइस इस साइड है देखिए मस्जिद, ये मस्जिद बनी हुई है, और इसमें जाना मतलब मैंने सोचा था इस बार जाऊँगा तो इसमें वीडियो बनाऊँगा भाई, अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है और अंदर जाना अलाउ नहीं है भाई। तो मतलब पहले तो जा सकते थे, पर अभी कुछ टाइम से बंद कर दिया गया है यहाँ पर अंदर जाना। और गाइस यहाँ पर लोकल आदमी जो लोकल रहते हैं उनके लिए जुमे वाले दिन यहाँ पर नमाज भी पढ़ाई जाती है गाइस। सो काफ़ी बड़ी मस्जिद बनी हुई है, और गाइस ऐसे ही एक इमारत मतलब दूसरी साइड भी बनी हुई है ताजमहल के। सो दूसरी साइड चलते हैं गाइस। सो गाइस अभी पहुँच चुके हैं दूसरी साइड, और गाइस दूसरी साइड भी ऐसा ही कुछ बना हुआ है जैसे कि पहली साइड में, मतलब एक मस्जिद जैसी मतलब मस्जिद थी, वो मस्जिद है गाइस। और यहाँ पर भी एक मस्जिद बनी हुई है जो मतलब यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ाई जाती है गाइस। इस साइड की जो इमारत बनी हुई है, इस साइड में नमाज नहीं पढ़ाई जाती है, और ये ऐसे ही है, और मतलब लोग देखने आते हैं बस। और पर गाइस बना हुआ है, ये पूरी लोकेशन बनी हुई बिल्कुल ताजमहल जैसी है, मस्जिद की लोकेशन बिल्कुल ताजमहल जैसी बनी हुई है गाइस। और इस साइड से देखिए ताजमहल कैसा दिखता भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और काफ़ी खूबसूरत दिखता है भाई, बाइट बाइट बहुत ही बढ़िया लगता है। सो गाइस काफ़ी घूमने के बाद, और भाई अभी एग्जिट करने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में, और काफ़ी घूमे भाई, और मतलब चारों तरफ देखा हमने, और काफ़ी जो खूबसूरत लोकेशन थी ताजमहल की वो भी दिखाई आपको। और गाइस जो स्टोरी आप लोगों को बतानी थी वो भी बताई गाइस। तो अब देखते हैं, यहाँ से एग्जिट करना है थोड़ी बहुत देर में, और गाइस एग्जिट करेंगे यहाँ से अभी, तो चलते हैं थोड़ा पानी पीते हैं, और पानी पीने के बाद यहाँ से एग्जिट करेंगे, फिर चलेंगे बाहर की तरफ, और यहाँ से एग्जिट करेंगे थोड़ी बहुत देर में गाइस। तो अभी तो हम लोग नल की तरफ जा रहे हैं थोड़ा पानी पीने, और पानी पी के फिर निकलेंगे गाइस। और काफ़ी अच्छी स्टोरी है आज की, और काफ़ी बढ़िया लोकेशन है ताजमहल, जो सबसे बेस्ट लोकेशन है। तो चलते गाइस पहले पानी पीते हैं। सो गाइस अभी हम लोगों ने एग्जिट कर ली है, और अभी ताजमहल से बाहर आ गए हैं, और ये पीछे की साइड देखिए मेन गेट दिख रहा है आपको। और गाइस एग्जिट करके बाहर आ गए हैं, और अभी निकल रहे हैं घर के लिए, मतलब अभी घर के लिए निकल रहे हैं भाई। सो गाइस मतलब आज का व्लॉग तो भाई इतना ही, और कैसा लगा व्लॉग आप वीडियो में कमेंट करके बताना, और गाइस अपने दोस्तों को शेयर करना, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मेरे न्यू व्लॉग जो हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएँ। गाइस कैसी लगी स्टोरी, और जो मतलब मुमताज के बारे में जो बातें आपको पता नहीं थी वो बातें आपको पता चली, तो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके अपना मतलब अपनी बातें बताना कि आपको कैसा लगा व्लॉग। और गाइस मतलब व्लॉग में कोई कमी मतलब लगे आपको, कोई कमी लगे तो वो भी बताना गाइस, अगले व्लॉग में मैं
जरूर वो कमी पूरी करूंगा। और गैस मतलब आप लोग प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यार आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो और अपने भाई को सपोर्ट करो। थोड़ा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का तो प्लीज़ आपका भाई और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों का एंटरटेन करता रहेगा, आपको एंटरटेन करता रहेगा हमेशा आपको गैस। सो गैस प्लीज़ यार जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना, और गैस मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।